भाई मेरठ आए हो और बुढ़ाना गेट ना आए हो तो मेरठ आना अधूरा है ना। मेरठ का फूड टूर आपका पूरा नहीं होगा अगर हम बुढ़ाना गेट ना आए, और क्योंकि यहाँ पर फेमस है यहाँ की नान खटाई, रेवड़ी, गच्चक और भाई लजीज पकवान जिसकी खुशबू आपका यहाँ पर इंतजार कर रही है। बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हम बुढ़ाना गेट पे हैं भैया, ये देख लीजिए पूरा रोड। मेरठ वालों कुछ याद आया आपको मेरे दोस्तों, आपने ही कहा था कि यहाँ पे आइए और हम आ गए हैं आपकी डिमांड पर बुढ़ाना गेट में। यहाँ पर एक साथ ही कई सारी शॉप्स हैं। रामचंद्र नाम जिनका है भैया, ऐसा क्या राजा? नीचे कमेंट में आ रहा था कि आप बुढ़ाना गेट पे रामचंद्र रेवड़ी खाने के लिए जरूर जाइएगा, तो आज हम सिर्फ उसी लिए आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ लाइन से ही एक नहीं बल्कि चार पांच शॉप्स हैं जिनका नाम रामचंद्र है। अब ये क्या है ये जानते हैं। अच्छा, एक और बंदा यहाँ पे है भैया इना, जो बड़ा फेमस है। अच्छा। उनका नाम मुझे कई लोगों ने बताया। अच्छा। और वो टीटू जी। टीटू जी के पास चलते हैं। टीटू जी वो जो पूरे मेरठ में फेमस है। टीटू जी क्या हाल है टीटू जी? नहीं नहीं, टीटू जी से बात करेंगे अब। टीटू जी देखो, हमें जिसने भी बताया कि भैया बुढ़ाना गेट में कहाँ जाया जाए तो किसका नाम लिया गया? टीटू जी का। टीटू जी इतने फेमस कैसे हैं आप? जो क्वालिटी बनाएंगे, नेतागिरी करेंगे, सारे काम बढ़िया करेंगे तो नाम तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा, कब से आपकी ये शॉप? हमारी कम से कम मैं 30 साल से यहाँ बैठता हूँ। 30 साल से? और 30 साल से एकदम आप इसी जोश से इसी रंगत से बैठते हैं यहाँ पर? हाँ, ये तो हमारा फर्ज है, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए ना, कौन आदमी क्या बैठा हुआ है। अब ये थोड़ी मान लो काले भी बैठ जाएंगे तो भाई कौन पूछेगा हम लोग। अच्छा, यहाँ पे सभी शॉप्स का नाम रामचंद्र क्यों है? रामचंद्र का क्या? रामचंद्र सर रजिस्टर है। अच्छा। वो है हम। अच्छा, ये मेरा भतीजा है संदीप पार्षद जो है, ये वो मेरा कोने पे जो भांजा है। अच्छा। ये हमारा कोई नहीं है। अच्छा। तो मतलब एक ही फैमिली के हैं। ये इस शॉप पर क्या क्या मिलता है? अच्छा, इस दुकान पे और क्या क्या मिलता है खाने के लिए? आगे बताएगा। कौन आ रहा है, क्या नाम है इनका? गोयल साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोयल साहब हमारे सामने हैं। पिताजी बड़े फेमस हैं पूरे मेरठ में, ऐसा क्यों? बद्दी एक तो अपने हमारे व्यापार से मशहूर है। अच्छा। दूसरा गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर है। गोल्डन बाबा? हाँ जी। अरे गोल्डन बाबा जी। अच्छा अच्छा, आज बहुत कम पहनना का, नहीं तो पूरे मेरे शहर में आसपास में भी गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर है। गोल्डन बाबा के नाम? जी जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा कुशान गोयल। कुशान जी। कुशान, ये बताओ कि अभी हम बुढ़ाना गेट पे हैं तो अभी हमें और क्या एक्सप्लोर करना चाहिए? पहले अपनी शॉप की खासियत बता दो, क्या क्या है आपके पास? अब थोड़ा आइटम तो ऑफ सीजन है, नहीं तो हमारा फेमस है रेवड़ी गज्जक है। हमारे पास रेवड़ी गज्जक बनती है मिनिमम 72 to 75 वेराइटीज की। अच्छा, मतलब कि आस पास में कितनी रेवड़ी गज्जक की वेराइटी कोई बनाता। हमारे पास शुगर फ्री रेवड़ी गज्जक ही मिलती है, चॉकलेट चॉकलेट रेवड़ी, चॉकलेट गज्जक, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। और जैसा अब ये है मेन का मेरठ की मेन गज्जक जो होती है, वही होती है। क्या भाई क्या है? मेरठ की मेन गज्जक ये वाली होती है। अच्छा, नाजुक गज्जक। एंड गज्जक नाजुक गज्जक नाजुक 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 गज्जक जी, कटलेस होती है और वैरायटी बहुत सारी है हमारे पास। लड्डू किस चीज के हैं? व्रत के लड्डू है, रामदाना है, चुलाई के लड्डू। ये जन्माष्टमी की वजह से रखे आपने या 12 महीने 30 दिन होते हैं? 12 महीने चलते हैं। कटाई कितनी तरह की आपके पास? हमारे पास 5 तरह की होती है। एक चने की दाल की होती है, एक मूंग की दाल की होती है, एक बटर में होती है, और एक अब तो ऑफ सीजन आ गया नहीं तो चॉकलेट की होती है, एक और एक होती है देसी घी में, पर देसी घी तो मैं सभी होती हैं, एक स्पेशल बनती है छोटे सी छोटे साइज में। अच्छा, मैंने सुना आपके यहाँ तो घेवर भी बहुत सारी वेराइटी का मिलता है। जी जी, घेवर भी ऐसी है हमारे पास, मलाई घेवर, चॉकलेट घेवर, कीवी घेवर, पाइनएप्पल घेवर। अच्छा, घेवर ये तो मैंने कभी नहीं सुना। अब देखिए बस, अभी मैं टैग ही लगे हुए सिर्फ इस टाइम, तो अब क्योंकि एक महीना जो है ऑफ सीजन है हमारा ये। अच्छा कुशान, यहाँ पर और क्या फेमस है? यहाँ का तो फेमस है अगर आजा चलो। जी जी, तो कुशान बचपन से यहीं पर रह रहा है? जी जी, यहीं से यहीं खाता पीता है कुशान है। हाँ जी, जो एक यहाँ का मशहूर है वो मद्रासी डोसा वाला है। अच्छा, वो एक उसके एक ब्रांच आगे है। हाँ। और एक पीछे बच्चा पारा चौपले पे है। अच्छा,
और यहाँ का स्नैक्स मार्केट बहुत मशहूर है। अच्छा, ये बुढ़ाना गेट मार्केट है जी। जैसा आप देख रहे हैं जन्माष्टमी है तो किशन जी की पोशाक लेने हैं और किशन जी के लड्डू गोपाल जी की जो भी श्रृंगार सामान और बाबा के झूले हर चीज लेना सब यहीं पे आएंगे। अच्छा, और ये बसंत रेवड़ी भंडार ये क्या है? ये क्या कहते हैं भैया, इनका अमूल रस्तों की जी है, ये मिठाई बनाते हैं बहुत तरह के भी। अच्छा, तो हम इनसे मिल सकते हैं क्या? जी जी, आइए आप मिलवाई देना हम। जी जी, ये न्यू बसंत रेवड़ी भंडार है भैया, और कुशान हमें मिलवा रहे हैं इनसे। बाबा बाबा का मंदिर नहीं, ये सीट पे श्री हनुमान मंदिर है। अच्छा, यहाँ हर ट्यूजडे बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, पैर रखने जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती है। अच्छा। सीट पीठ मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा अच्छा, और ये क्या है जी? आइए इधर। भैया हमारा मुझे रस्तोगी जी, बसंत देवड़ी से। रस्तोगी जी, समझ से कैसे हो? ठीक हो? क्या खासियत है आपकी? क्या खासियत है? बस सब खासियत है तो भाई बता देगा। अच्छा, सब खासियत है। घेवर भी है यहाँ पर, रेवड़ी भी है और मिठाइयाँ भी है यहाँ पर। वाह भाई वाह, मिठाई पे सब कुछ है भाई, देख लो एक बार जल्दी से। जबरदस्त भाई, मिठाई मिठाई चारों तरफ, मिठाई मिठाई है। और एक जल्दी से राउंड ले लेते हैं ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कुशान। तो भैया कुशान हमारे साथ हैं आज और हमें बुढ़ाना गेट घुमा रहे हैं। चाट वाला बोल रहे थे, कोई चाट वाला कौन है? आगे है। बचपन में क्या खाते थे यहाँ पर? बस यहाँ से बचपन से ही है? बर्गर, चाउमीन और मद्रासी का फेमस डोसा है। मद्रासी का फेमस डोसा कहाँ है? वो भी आगे आएगा, थोड़ी सी आगे है। अच्छा, इस लाइन में और क्या क्या है? बस इस लाइन में तो इस टाइम यही है। अच्छा, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है ना। हाँ। तो जन्माष्टमी की वजह से अधिकतर किशन जी की पोशाक का मार्केट है। अच्छा अच्छा जी, चाट वाला कहाँ? चाट वाले भी आ गए, साथ ही हैं, डोसे वाला चाट वाला दोनों साथ ही में ही है। अच्छा 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 जी, तो शादी हो गई? नहीं अभी तो नहीं। कब करोगे? कर लेंगे, कोई बात नहीं, रामदेव भी जल्दी नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड से करोगे या किसी और से? कोशिश तो ये है गर्लफ्रेंड से हो। अरे अच्छा ठीक है, गर्लफ्रेंड को मैसेज देना चाहोगे? नहीं, गर्लफ्रेंड को मैसेज सिर्फ यही है, क्या मैं तुम्हारा तुम मेरी। अरे वाह यार गजब, मैं तुम्हारा तुम मेरी और कोई नहीं है बस। चलिए वेरी गुड, ये भी कोई स्वीट है अंक, कौन सी? गोकुल स्वीट। ये भी सब क्यों जो पुराने गेट है ये पुराने शहरों में से है मेरठ के। अच्छा अच्छा, इस साइड है जो मेन बाजार, क्योंकि जो पुराने बाजारों में से ना यही बाजार है। और पुराने अब तो जो मेरठ बहुत एक्सपेंड होना शुरू हो गया है तो नए नए बाजार है, जो पुराना बाजार है वो यही है। अच्छा पुराना, और क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की खासियत अब क्योंकि हमारा पूरा एक तो मिठाई का बाजार है। हाँ। आज थोड़ा मंडे है, नहीं तो ये पूरा कपड़ों का मार्केट भी है। और मेन जो यहाँ का वो नाइट का ही है। नाइट का? नाइट को क्राउड मिलता है? नाइट का क्राउड है, क्योंकि सारा स्नैक्स मार्केट हो जाता है ना इधर की तरफ। अच्छा, तो बहुत रश रहता है। अच्छा। और आज तो त्यौहार है तो इसलिए हमारी सबके फास्ट है। अच्छा, आपका फास्ट है? हाँ जी। वाह भाई वाह, यहाँ पे तो बहुत, कौन सी चाट कॉर्नर है यहाँ पर? ये ना ये तो मेन जो यहाँ का है मद्रासी डोसा। आज अच्छा। तो भीड़ बहुत कम है, भीड़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं आज तो, 1% भी नहीं है। अच्छा। नहीं तो यहाँ तक रश जाता है। अच्छा जी, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह 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 वाह, रमेश भाई तो वही वाले हैं, बच्चा पार्क वाले। ये रमेश भाई, ये आपका नाम क्या है? आपके भाई है वहाँ पे? अच्छा, वो भाई है। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं इनका, इनके भैया का। तो भैया बहुत फेमस डोसा है इनका इस वक्त। ये एग्जैक्ट जगह कौन से कुशान? ये एग्जैक्ट जगह बुढ़ाना गेट कहलाता है। बुढ़ाना गेट कहलाता है, तो इसके बारे में कई लोगों ने कहा था हमें। कई लोगों ने हमें कहा था कि आप बुढ़ाना गेट पर जाइए, वहाँ आपको खाने के लिए इतना सब कुछ मिलेगा कि आप वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, मेरठ की बाकी जगह घूम ही नहीं पाएंगे। वाह भाई वाह, और क्या है यहाँ पर? डोसा है, वड़ा है और वाह भाई वाह भाई, क्या खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो? गोलगप्पे। कौन से गोलगप्पे? सूजी के आटे के। सूजी के और आटे के खिलाओ यार, खिलाओ गोलगप्पे। ये क्या पाव भाजी है? ये देखो पाव भाजी है, पाव भाजी। वाह पाव भाजी, ऐसे ऐसे कर देना इसको, ऐसे ऐसे कर दो। वाह भाई वाह, शानदार, जबरदस्त पाव भाजी। ओ भाई ये क्या बन रहा है? भाई भाई इधर 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 भाई भाई, ये क्या भाई 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 भाई, ये कौन सा बर्गर है भाई?
क्रीम बर्गर, जबरदस्त क्रीम बर्गर बन रहा है भाई, वाह। तो भैया बुढ़ाना गेट आना तो बनता है? बुढ़ाना गेट आने पर आपको मिलेगी रेवड़ी, गच्चक, नान खटाई, गोलगप्पे, बर्गर, टेक्की, डोसा, वड़ा, यानी आप सिर्फ नाम लो वो सब आपको यही मिलेगा। बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया। टिक्की बन रही है जबरदस्त तरीके से और ये बर्गर पैक हो रहा है। अच्छा, ये टिक्की पिट्ठी में, पिट्ठी भरी जाती है इस टिक्की के अंदर, ये वो वाली पिट्ठी है। गोलगप्पे मिलते हैं और आटे के भी मिलते हैं, और पानी कौन सा मिलता है? धनिया पुदीने वाला। वहाँ पे भी है कुछ कुशान? हाँ, ये चाउमीन है शायद। भैया ये चाउमीन, ये क्या बना रहे भैया, ये क्या है? अच्छा पाव भाजी, भाजी है, पाव भाजी। कौन सी वाली? परात वाली। परात वाली पाव भाजी वाली देखते हैं, ये परात में बनी हुई है, ये भाजी है भैया। वाह भाई वाह भाई, कलर देख इसका सौरभ, वाह। और ऊपर क्या डाल दिया भैया? ओ मक्खन देख भाई, तड़का लगा के डाला ये मक्खन। हाँ अच्छा, ऐसा क्यों? तड़का लगा के उसमें मिर्ची विर्ची स्वाद आएगा ना मक्खन में, वो फ्लेवर्ड बटर हो जाएगा। क्या कह रहे हो भैया? ये चाउमीन बहुत फेमस है, या कि चाउमीन भी जल्दी खाने वाले हैं हम कुछ किसी दिन आके। चाउमीन इतनी बड़ी कढ़ाई में बनाते हो आप? इस दोनों कढ़ाई में चाउमीन बनती है? अरे भाई वाह, क्या किलो के हिसाब से बेचती हो चाउमीन? भैया फेमस है ये लोग सब यार। अरे टिक्की देखो भैया, करारी करारी टिक्की, हाय हाय हाय। टिक्की बर्गर लग रहे हैं, और वो भी एक दो बर्गर नहीं है मेरे ख्याल से, एक साथ 30-40 बर्गर लग रहे हैं ये। या कितने बर्गर बना रहे हो एक बारी में? 20 बन रहे हो या कितने का है एक एक बर्गर? 20 रुपए का एक भाई, 20 रुपए का एक, कितना सस्ता बर्गर। ऐसे स्पीड से डाल रहे हैं, देखिए देखिए, वाह भाई वाह। 20 बर्गर बनाने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे इन्हें, कुल 5-10 मिनट लगेंगे मेरे। हाँ चलिए, तो नहीं मैं, अच्छा देख रहे हैं। अरे भाई वाह, क्या बर्गर तैयार हो रहा है, टिक्की भी है बन के ऊपर, बन को अच्छे से रोस्ट भी किया है इन्होंने, और उसके ऊपर सैलेड लग गया है, खीरा भी है, टमाटर भी है, और क्या क्या जाने वाला है। और सबसे ज़्यादा स्वाद तो मुझे लग रहा है इनके मसाले का आने वाला है इस बर्गर पे। और खाना तो यही जा रहा है, ये देखो ये बर्गर का बेस इन्होंने लगा दिया, और उसका टॉपिंग को ये दोबारा से रोस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये बर्गर अच्छे से रोस्टेड बर्गर मिलने वाला है आपको। और यार इतना सस्ता बर्गर तो भाई कहीं नहीं देखा मैंने, नेक्स्ट टाइम आएंगे जरूर ट्राई करेंगे। यहाँ पर अगली बार आके और चलिए। तो दोस्तों हमने टूर किया इस वक्त बुढ़ाना गेट का, और हमारे साथ हमारा दोस्त था, उसने बताया हमें क्या क्या खास है यहाँ पर, और मज़ा आ गया सीरियसली। और गोल्डन अंकल के साथ मिलके भी बड़ा मज़ा आया, गोल्डन अंकल के साथ मिलके बड़ा मज़ा आया। कुशांग यहाँ पर है हमारे साथ, ये देखिए ज़रा, कुशांग हमारे साथ है भाई। कुशाक मज़ा आया यहाँ पर हमें, आपने फूड टूर कराया, अगली बार फिर आएंगे हम, और ठीक है, और फिलहाल के लिए इतना ही। और जल्दी से बोल दो हमारे दोस्तों को खिचड़ी द फूड चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। खिचड़ी द फूड चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने मेरे साथी हैं सब देखेंगे वो भी शेयर कराऊंगा। वेरी गुड सो मच। अच्छा मेरे कुछ बहुत फॉलोवर्स है, क्योंकि मैं भी क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, मेरा खुद का पेज है, बहुत फॉलोवर्स है, मैं सबको शेयर करूँगा। वेरी गुड। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। बाय बाय। बाय।